इन साथियों नमस्कार, मैं नीतीश चंद्र आप सभी के समक्ष एक अपडेट लेकर के उपस्थित हुआ हूं पूर्व रेलवे की ओर से। और पूर्व रेलवे यानी ईस्टर्न रेलवे कचरापाड़ा डिवीज़न का एक अपडेट है, जहां पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स को यहां पे अटेस्टेशन फॉर्म के लिए बुलावा किया गया है। और मेल जो लास्ट स्टेप का मेल आता है ज्वाइनिंग से ठीक पहले का, वह मेल यहाँ पर ऑफ़र लेटर जिसको कहते हैं, वो ऑफ़र लेटर यहाँ पर इशू किया गया है। तो इसमें क्या कुछ बातें हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की, आरपीएफ इंडियन रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षा आरपीएफ की पूछे गए प्रश्न पत्र के आधार पर तैयार किए गए सेट बुक के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी लंबे अरसे से आई नहीं है, तो निश्चित तौर पर आएगी। चक्षु प्रकाशन की ओर से ये बुक कम्प्लीट रूप से तैयार की गई। इसमें ऑनलाइन भर्ती परीक्षा के 5 सॉल्व्ड पेपर हैं, इसके अलावा बहुविकल्पीय 2500 प्लस प्रश्न है यानी ऑब्जेक्टिव है, और 20 प्रैक्टिस सेट हैं यानी 5 पेपर जो पूछे गए हैं वो हैं। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट भी इसमें दिए गए हैं। पूछे हुए प्रश्न और इस सेट बुक के अलावा चक्षु प्रकाशन की एक बुक और आती है, जो कि है आरपीएफ स्टडी गाइड की। आप इसके सहायता से अपने जो सिलेबस हैं, सिलेबस के पूरे थ्योरी पार्ट को इसके जरिए आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो इस स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट की सहायता से आप अपनी तैयारी को बेहतर करते हुए और अपनी वर्दी पाने का सपना, आरपीएफ में नौकरी का सपना आप प्राप्त कर सकते हैं। और ख़ास बात ये हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि कोलकाता के अंतर्गत कचरापाड़ा डिवीज़न में कैटेगरी नंबर 66 वालों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, जबकि अन्य सारे कैटेगरी वालों की ज्वाइनिंग करा दी गई है। अभी इनमें थोड़ा सा और वक्त लगना है, लेकिन फाइनली ऑफ़र लेटर का जो मेल होता है वह आ चुका है और उनको अब जा करके अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह के जो कुछ अंतिम स्टेप के कागजात हैं वो उनको यहाँ तैयार करके जमा कराने हैं। तत्पश्चात एक महीने के अंदर इन लोगों की भी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो यहाँ पे कचरापाड़ा डिवीज़न से लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे 66 नंबर कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि सभी को मेल आ गया है फाइनली, और मेल आने के पश्चात उनको यहाँ पे अंतिम स्तर के जो कार्य हैं, जो अंतिम स्टेप हैं, वो यहाँ पे धीरे धीरे संपन्न कराया जा रहा है। और ये क्या कुछ है तो ये किसके रिगार्डिंग है, तो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक 3 फीटर वर्कशॉप इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट लेवल 2 7th CPC पे मैट्रिक्स इन कचरापाड़ा वर्कशॉप। तो कचरापाड़ा वर्कशॉप में प्रोविजनली अपॉइंटमेंट है, यानी इसको हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि ये ऑफर लेटर ही एक प्रकार से है। और इसमें क्या कुछ शर्तें हैं नौकरी वगैरह की, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वहाँ यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया। कुछ पॉइंट्स को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे है कि आपसे एक प्रकार का शपथ पत्र है, इसमें क्या कहा जा रहा है, आई हैव टू इन्फॉर्म यू डैट हैव बीन सेलेक्टेड अगेंस्ट DR कोटा टू अंडर गो ट्रेनिंग एज ए टेक 3 फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इन दिज वर्क, यानी 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए DR कोटा के अंतर्गत जो इनकी नियुक्ति हो रही है उसके लिए उनको सूचनार्थ घोषणा पत्र दे रहे हैं। उसके अलावा फिर देखेंगे, ट्रेनिंग पीरियड विल बी कमेंस्ड फ्रॉम द डेट यू आर इनरोल्ड एज सच इन द शॉप फ्लोर, इट मे बी क्लियरली अंडरस्टूड डेट एफर्ट्स विल बी मेड टू एब्जॉर्ब यू इन द रेगुलर कैडर ऑफ रेलवे आफ्टर सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ ट्रेनिंग इफ देयर इज एनी वैकेंसी बट नो सच गारंटी इज गिवेन। तो ये सब बातें यहाँ पे लिखी जाती है। सैलरी के बारे में 19,900 पर मंथ लेवल 2 के तहत सैलरी है, बाकी अन्य चीज़ें भी मिलती है। ये स्टाइपेंड के तौर पर इतना मिलता है, इसके अलावा आप जानते हैं कि DA मिलता है, HR मिलता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस पूरे स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको शर्तें एक प्रकार की है नौकरी की, क्या क्या शर्तें हैं रेलवे में, उन शर्तों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। और हर बार हर कैंडिडेट्स को इसी प्रकार से रेलवे के द्वारा बताया जाता है। और इन तमाम बातों की घोषणा करने के पश्चात आपको लास्ट में एक सिग्नेचर आपका होना है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स। तो यही मेल अभी फ़िलहाल सभी को आता है। और चूँकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ चूँकि कचरापाड़ा डिवीज़न में 66 नंबर कैटेगरी के अलावा बाकी सारे पूरे ईस्टर्न रेलवे में सारे कैटेगरी के लोगों को ज्वाइनिंग दे दी गई थी, और 66 नंबर वाले को भी अन्य डिवीज़न में ज्वाइनिंग करा दी गई थी। यहाँ लगातार देरी हो रही थी, तो इस देरी के कारण छात्र परेशान थे, मेल नहीं आ रहा था। तो उन सभी को मैं बता दूं कि सारे लोगों का मेल अब आ गया है, आप अपना मेल चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक चेक नहीं किए हैं तो कल तक में सारे लोगों का मेल आ चुका है, आप अपना मेल ज़रूर चेक करें। और जो भी आगे की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा करके
आप सभी रेलवे में अपनी सेवा जरूर देने के लिए उपस्थित हों। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं सहित मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के कोई अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।